अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो इस महीने में आप अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगस्त में दो लंबे वीकेंड पड़ रहे हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी रहेगी और 17 अगस्त को पारसी नववर्ष यानी मुंबई गुजरात में छुट्टी रहेगी। 18 और 19 को वीकेंड रहेगा। ऐसे में आप 16 अगस्त की छुट्टी लेकर 15 से 19 अगस्त के बीच में घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद इसी महीने में एक और लंबा वीकेंड है। 22 अगस्त को ईद उल जुहा पड़ रहा है तो 24 अगस्त को ओणम, 25 और 26 का वीकेंड रहेगा। अब ऐसे में कहाँ जाएं घूमने, तो डेली न्यूज की ट्रेवल सीरीज में आपको ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं जहाँ आप इन छुट्टियों में अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। लद्दाख, अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो गए हैं तो लद्दाख घूमना एक अच्छा विकल्प होगा। घूमने के शौकीन लोगों के लिए लद्दाख देखना जरूरी जगह है। लद्दाख के जनस्कार वैली, खरदुंग लापास, हेमिस नेशनल पार्क और स्पीति गोम्पा घूमना आपके लिए सबसे अच्छा अनुभव रहेगा। स्पीति हिमाचल प्रदेश, तिब्बत और भारत के बीच में मौजूद होने के चलते इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। स्पीति घाटी में आपको रेगिस्तानी पहाड़, बर्फ से जमे रास्ते देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप केरल का रुख भी कर सकते हैं। केरल धरती पर सबसे खूबसूरत जगह गॉड्स वन कंट्री के नाम से भी फेमस है। फैमिली हॉलीडे हो या हनीमून के लिए जाना हो, केरल दुनिया में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अगर आपको हरियाली, पहाड़, झरने और नेचर के बीच रहकर सुकून के पल गुजारना है तो मेघालय आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। बरसात के मौसम में यहाँ के नज़ारे देखकर किसी का भी मन खुश हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ घूमने की कई एडवेंचरस जगह भी है जहाँ पर घूमना आपके लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव रहेगा। धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लाइक करें हमारा Facebook पेज।